हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम निकल पड़े हैं नासिक जाने के लिए। ये हमारा सिर्फ 2 नाइट्स और 3 डेज़ का ट्रिप है। हम 23rd को रिटर्न आ जाएंगे। सो देखते हैं हम लोग क्या फ़न करने वाले, क्या मज़ा करने वाले। वैसे तो हम लोग नासिक कुछ काम से जा रहे हैं, बट लेट्स सी क्या क्या मज़ा करते हैं और कैसे हम लोग। अभी हम लोग को एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स लगेगा, बिकॉज हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो भी हम रास्ते में ही करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या मज़ा करेंगे। इनफैक्ट बहुत मज़ा करने वाले तो पता है। सो चलो बाय। सो हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमारा सामान भी अंदर आ गया है। ये हमारा छोटा सा रोड ट्रिप है, 5 to 6 आवर्स लगेगा हमें पहुंचने के लिए। और फिर आज देखते हैं वहाँ पे कौन सा रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट में क्या क्या है, एडवेंचर करेंगे। और कल हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो मेरा सेकेंड ज्योतिर्लिंग रहेगा। और देखते क्या क्या मज़ा हम लोग करने वाले। आज तो हम लोग रिसॉर्ट में मज़ा करेंगे, कल मंदिर जाएंगे और उसके बाद रिटर्न आते टाइम हम लोग कुछ को टूरिस्ट प्लेसेस भी घूम के आएंगे। सब लोग ऐसा रोबोट के जैसा क्यों बैठे ही। सो अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। चलो हम अभी रास्ते में ही हैं। सो अभी हमको 3-3.5 घंटा और लगने वाले। तो हमने बीच में एक छोटा सा मतलब ब्रेक नहीं लिया था, सिर्फ कुछ खाने पीने का सामान लिया था, तो रुके थे कुछ 5-10 मिनट्स के लिए। और नाउ अगेन वी आर बैक ऑन द रोड। हम लोग जा रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे। आई एम जस्ट वेटिंग कि हम लोग कब पहुँचेंगे रिसॉर्ट, कब इन्जॉय करेंगे, कब हमारा मिनी वेकेशन नहीं करेंगे। तब अपने अपने में बाबू हाँ, उसको नींद भी आया। बाबू नींद आया तो यौन क्यों कर रहे थे? हम चाहते कि हम जल्दी पहुंच जाए। होप सो जल्दी पहुंच भी जाएंगे। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल पड़े। धुंध की वजह से गाड़ी धीमी चला रहा था। हमने आधी से बाबू तुम एक्साइटेड हो के नहीं रिसोर्ट जाने के लिए? अच्छा क्या अच्छा नहीं। बाबू क्या कर रहे हो? सो हमने हमारा फर्स्ट स्टॉप लिया है यहाँ पे। यहाँ से अराउंड 2 आवर्स ही लगेंगे हम लोग को ना हमारे रिसॉर्ट पहुँचने के लिए, बिकॉज नासिक मतलब मेन सिटी हमारे रिसॉर्ट से काफ़ी दूर है। तो हमको हमारे रिसॉर्ट पहुँचने में 2 आवर्स लगेंगे। बहुत गंदा वाला गर्म है, ऐसे चुभ रहा है, ऐसे लग रहा था कि हम लोग अंदर बैठे थे तो ही अच्छा था। धूप भी बहुत तेज़ है यहाँ पे, पता नहीं पुणे का क्लाइमेट तो कभी डिसेंट हो, अब नासिक का क्लाइमेट कैसे होगा पता नहीं। वो तो पुणे से ज़्यादा गर्म होता है, वो तो पहले से ही पता है। ये मेरा 3rd ट्रिप रहेगा। पहला ट्रिप मैं गई थी शिरडी, सेकेंड हम ऐसे ही घूमने गए थे, और ये हमारा 3rd ट्रिप जहाँ पे हम लोग टेम्पल भी जाएंगे, घूमेंगे भी और मेरे पापा के नाम का पूजा भी कराएंगे। उनका आदत का 1 साल हो चुका है, उनके नाम का पूजा कराने हम लोग मेन जा रहे और उसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। बहुत ज़्यादा ही गर्म है यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर चले जाना चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया है, हमारी पानी ख़त्म हो गई, हम सब वो सब लेना है, वॉशरूम जाना है। हार्डली 5 मिनट्स रुकेंगे और फिर हम लोग आगे निकल पड़ेंगे।
और देखते हैं अभी तो फिलहाल भूख तो लगा नहीं है लेके आता हूं उसको। देखते लंच का तब तक कुछ अगर रास्ते में मिला तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्टली रिसोर्ट में ही करेंगे। रुको। सो हम लोग 42-45 किलोमीटर दूर है अभी और हमें यस हम लोग रोलर कोस्टर राइड पर है, हम लोग गाड़ी में नहीं जा रहे, हम लोग रोलर कोस्टर में बैठ के जा रहे। सो हम लोग ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर है हमारे रिसोर्ट से, हमको और 1 आवर लगेगा। अभी तो हमें भूख नहीं लगा। बाबू तुमको भूख लगा है? जी तुझे लगा है? नहीं अभी हम किसी को भूख नहीं लगा बिकॉज हम लोग कुछ ना कुछ खाते ही जा रहे हैं। हमने अच्छा खासा ले लिया था स्टार्टिंग में तो अभी तो ख़त्म हुआ नहीं है, तो हम लोग खाते ही जा रहे हैं। तो लंच का कुछ प्लान नहीं है, बस प्लान है कि जल्दी से रिसोर्ट पहुँचे और वहाँ पे जो जो एडवेंचर्स है वो हमें करने मिले, बस उतना ही हम वेट कर रहे हैं। चलो तो हम लोग हमारे रिसोर्ट 10-15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। थोड़ा ये आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर टेंपल भी कुछ 14 किलोमीटर की दूरी पर है, पर दिखाता है टाइम कि 20-25 मिनट्स में आप टेंपल पहुंच जाओगे। वो तो हम वैसे भी कल जाने वाले, आज तो हम लोग रिसोर्ट में आराम करेंगे। वहाँ पर जो जो एडवेंचर है जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। फ़िलहाल तो बहुत टायर्ड भी है, भूख तो हमें अब भी नहीं लगा है, पर देखते हैं हम रिसोर्ट पहुँच के कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। एक्चुअली हमको सुबह उठने में ही लेट हो गया, हमारा प्लान था कि हम 8:30 मैक्स 9 बजे तक निकल जाएंगे, बट हम 8 बजे तो हम खुद ही उठे। फिर इतने सारे लोगों का फ्रेशन अप होना टाइम लग जाता है। एनीवेज कोई नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट 7-10 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे रिसोर्ट। चलो देखते। सो वी आर नाउ एंटरिंग सुमा एडवेंचर एंड रिसोर्ट। फाइनली आफ्टर 5-6 आवर्स ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन एंड हमारा स्टेकेशन फॉर 2 डेज। सो हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, सुमा एडवेंचर एंड रिसोर्ट। सो चलिए अब मैं हमारे रूम में एंट्री लेने वाली हूँ। वैसे ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत कुछ है करने के लिए, ऐसे तो हमने ऑनलाइन देखा था, काफ़ी लोगों को भी देखा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे रूम कैसे हैं। हमने वैसे 2 रूम्स बुक किया है, सो लेट्स सी। तो पहले हम चेक इन करेंगे, उसके बाद हम हमारे रूम्स जाएंगे। तो ये इनका एंट्री ऐसा है जहाँ पे कोकोनट ट्री है, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज है। सो बच्चों के लिए गार्डन भी है छोटा सा जो इनके एंट्रेंस पर ही है। तो यहाँ पर है उनका ऑफिस जहाँ पे हम चेक इन करेंगे। तो फाइनली हम लोग हमारे रिसोर्ट पहुँच गए हैं, अब हम चेक इन कर रहे हैं और कुछ मिनट में हम हमारे रूम्स भी चले जाएंगे और उसके बाद हम देखते क्या है करने के लिए। वैसे तो बहुत कुछ है। बाबू तुम पहुँच गए, पूछ रहे थे ना कब से उसके लिए गार्डन है और बाबू यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। तो पहले तो हम लोग रूम में जाके फ्रेश होंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या क्या है, बिकॉज ऑनलाइन तो काफ़ी कुछ बताया गया था। सो वैसे भी सुमा एडवेंचर एंड रिसोर्ट है, सो लेट्स सी हम क्या क्या एंजॉय आज करने वाले। फिलहाल तो देवांशु अपने गार्डन में गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ बाबू? आराम से खेलो। आ गया नहीं तो गिर जाओगे। वाह तुमको झूला झूलने आ गया। सो इनका गो कार्टिंग ट्रैक यहीं पर ही है, आप देख सकते हो। आई थिंक सो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, हम धीरे धीरे सब एक्टिविटीज़ करेंगे। पहले तो अभी रूम जाएंगे बिकॉज फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लग रहा है कि हमारा ये 2 दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। वहाँ पे और भी है एक्टिविटीज़ करने के लिए। वाओ ये ना रात को काफ़ी अच्छा लगेगा। ओह इंडोर गेम्स भी है, मैंने देख लिया तुमने? हाँ।
बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग कब ये सब करेंगे. यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स भी है, कलरफुल ग्रीनरी है काफ़ी अच्छा. सो यहाँ से तो व्यू अभी ऐसे दिख रहा है. अब लेट्स सी हमारे रूम से क्या व्यू लगेगा. अब तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं. आई थिंक हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर ही है. सो नाउ वी आर एंटरिंग आवर रूम. छोटा सा रूम है, काफ़ी अच्छा है पर हम दो जन के लिए. मुझे व्यू देखना है. सो यहाँ पे एक रिवर है. आई डोंट नो क्या नाम है वो रिवर का, बट रिवर पूरा सूख चुका है. बट व्यू इज अमेजिंग. मतलब सुबह का व्यू वाओ. बहुत इनफैक्ट यहाँ पे फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं. हमने चेक इन भी कर लिया, रूम में भी आ गए और अब हम फ्रेश होंगे. उसके बाद हम पूल में जाने की तैयारी कर रहे हैं. अभी हम पूल आए हैं. यहाँ पे थोड़ा पूल में हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ इंडोर गेम्स भी खेलेंगे. फिलहाल तो हम पूल के मज़े लेने वाले हैं. देवांशु और जीत तो पहले ही पानी में उतर गए. उन लोग की मस्ती भी शुरू हो गई है. अभी हम जाएंगे. दिखाओ कैसे स्विमिंग करते. दिखाओ, तुमको तो आता है ना स्विमिंग करना. स्कूल में तो बराबर करता है, तू यहाँ पे क्यों नाटक कर रहा है. यहाँ पे भी बता ना. मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को पूल में. मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पेट के एक्सरसाइज कर रहा हूँ. बाबू तुमको मजा आ रहा है. बाबू तुमको मजा आ रहा है. ये क्या था, मजा आया तुमको. मैं नहीं भूली, मैं बनाऊंगी. पहले तुम बताओ मजा. दिखाओ. गायब हो गया बाबू. गायब, जादू आ गया. जानू देखना, मैं इधर से उधर चले जाऊं. कैसे जाएगा देखो. दिखा. मैं आऊं क्या फिर. हम लोग सब कैमरा में देख रहे हैं. चल चल चीकर चीड़े को. तू चल के जाता है. पानी के अंदर जाके बाहर आ. पानी के अंदर जाके बाहर. नहीं रुकना रुकना रुकना. पानी के अंदर जाएंगे. 1 2 तो कैसे हो आप सब. होप तो सब ठीक ही होंगे. तो आज हम आए हैं नासिक. तो हम लोग बाहर निकले थे, मेडिकल जाना था, कुछ मेडिसिन लेने थे. तो हम रास्ते में हमने ये होटल देखा, होटल स्वराज, जो हमको काफ़ी अच्छा लगा. ये इसका तो हम आज यहीं डिनर करेंगे. मैं आपको बता दूंगी ये इसका इंटीरियर, इसका एम्बियंस तो यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. जब मैंने फ़ोटो भी देखा था ऑनलाइन तो भी अच्छा ही लग रहा था. देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, देखते हैं नासिक में हमें कैसा खाना मिलता है. ओके तो एंट्री लेके ये देखिए, ऐसा एंट्री है इनका, काफ़ी बड़ा है. ये देखो मून भी अच्छा दिख रहा है. मतलब दिन में अगर यहाँ पर आओ तो बहुत अच्छा वीडियो शूट वो सब हो सकता है, फोटोज़ भी आ सकते हैं. ये देखिए मम्मी और देवांशु को. बहुत अच्छा एम्बियंस है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लेस. बाबू को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, उसका फेवरेट झूला. बाबू को आज जगह पे फोटो निकालना है. अभी हम लोग डिसाइड करेंगे हमको कहाँ बैठना है. ये अंदर का है, बाहर भी जगह है. हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, बाहर जाके बैठते हैं.
डिसाइड किया कि हम लोग बाहर जाएंगे। होप्सो यहाँ पे कुछ मच्छर ना हो। इनका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे दिन में तो इतने गर्मी में हम आ तो नहीं पाएंगे। हम मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा हम बाहर निकले तो हमको अच्छा जगह। आई होप सो इनका फूड भी अच्छा हो, मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पे हट भी है, आप आई थिंक सो वहाँ पे भी है जगह। चलो हम आगे जाके देखते हो कि वो हट के पास जाने का रास्ता है। मस्त है प्लेस। सो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी हम लोग ने ऑलरेडी मसाला पापड़ ये सब ऑर्डर कर दिया है, अब बाकी का डिनर भी हम करेंगे। आई होप सो, फिंगर क्रॉस, यहाँ का खाना अच्छा हो। वैसे हर जगह मसाला ये सब तो अलग ही रहता है, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जहाँ से आए हमारे वहीं जैसा मिलेगा, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो चलो मुझे खाना ऑर्डर कर लेती हूँ मैं, उसके बाद दिखाती हूँ कैसा है और फीडबैक भी देती हूँ। सो ये हमारा मेन कोर्स आ चुका है। ये कौन सा है? ये मटन यहाँ पे दो, एक इधर और एक वहाँ पे, और वो कौन सा चिकन है ना, चिकन इधर, मतलब दोनों लेडीज को चिकन दे दो। सो ये हमारा मटका चिकन बिरयानी आ चुका है। मटन एक टाइम पर एक ही करो, वीडियो निकालना है भाई। एक मिनट रुको रुको, वो वीडियो निकाला है, वो क्या वो यूट्यूब में यूट्यूबर है। अच्छा, तो यूट्यूब में डालना है ना। सो और ये यहाँ पे मटन बिरयानी सब रखा है आप सब, वो चिकन है ना, चिकन है ये, और ये मटन बिरयानी सर्व कर रहे। हमने ऑलरेडी चिकन स्टार्टर खा लिया, इतना टेस्टी था कि हम लोग वीडियो भी लेना और फोटो लेना भूल गए। होप सो मटन चिकन भी इनका उतना ही, नहीं नहीं बस हो गया, ऐसा फ्रेग्रेंस तो काफी अच्छा आ रहा है। सो लेट्स सी खाने का, बस तुम इतना सा खाओगे? ये तो राउंड वन है, खाली वो है टेलर है। हाँ वहाँ पे मटन सर्व कर दो एक। सो हमारा मेन कोर्स आ चुका है, अभी हम मेन कोर्स खाएंगे। हमने स्टार्टर में मसाला पापड़ मंगाया था और खाकरा मंगाया था। खाकरा काफ़ी बड़ा है जिसका मैंने फोटो लिया है, और हम लोग स्टार्टर खाने में इतना ही हो गया, इतना भूख लगा था और इतना यमी था कि हम सब भूल गए। बट मैंने सोचा कि मेन कोर्स तो मैं नहीं भूलूंगी, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी लिया, बिकॉज मुझे चिकन पसंद है। मैं रेड मीट नहीं खाती हूँ, मुझे मटन नहीं पसंद है। तो यहाँ पे आदि का मटन और जीत को मटन सर्व किया, मैं और मम्मी चिकन दम बिरयानी खाने वाले। फ्रेग्रेंस इतना अच्छा आ रहा है तो फिर टेस्ट भी उतना अच्छा ही होगा। सो फाइनली हमारा डिनर तो यहाँ पे हो चुका है, जो काफ़ी यमी था। हमने सबसे पहले खाकरा ऑर्डर किया, देन मसाला पापड़ ऑर्डर किया। खाकरा वॉज लाइक यमी, वो देख के तो मन खुश हो गया। उसके बाद हम लोग ने दो चिकन का स्टार्टर ऑर्डर किया, वो देख कर ही हमारा मुँह में इतना पानी आ गया कि हम उसका फोटो तक निकालना भूल गए। और इसी वजह से हम लोग ऐसे खाने पर टूट पड़े, बिकॉज हमें भूख भी लगा था और वो काफ़ी टेम्पटिंग था। और उसके बाद हमने बिरयानी ऑर्डर किया, मटका चिकन दम बिरयानी एंड मटन, सेम मटन मटका दम बिरयानी, ये दो चीज़ हमने ऑर्डर किया जो काफ़ी अच्छा था। डेजर्ट में इनके पास अब आइसक्रीम था, और हमें आइसक्रीम नहीं खाना था, कुछ अलग सा स्वीट खाना था। एनीवेज ये होटल, ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट ये ढाबा टाइप है, इट्स नॉन एसी प्लेस है, एसी है तो मुझे पता नहीं, बट हम लोग तो ओपन में बैठे थे, विच वॉज लाइक अमेजिंग। इनका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। आपको जब कभी भी मौका मिले तो प्लीज़ ये प्लेस, ये रेस्टोरेंट या ढाबा विज़िट ज़रूर करना। मैं एड्रेस लोकेशन सब अपडेट करूँगी, भूलना नहीं, विज़िट ज़रूर करना। इट वॉज़, इनका खाना बहुत ही यम्मी था, ट्रस्ट मी। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, और फिर मैं सोच समझ के, ऐसे ही नहीं कि हर कोई भी जगह पे चला जाओ, बट यू नो एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, इससे पता चलता है कि कहाँ का खाना अच्छा है।
बट ट्रस्ट मी, मेरा ये नासिक का फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैं नासिक पहले भी आ चुकी हूँ बट ये वाला एक्सपीरियंस वॉज लाइक अमेजिंग. ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग नासिक में हैं. मतलब हर सिटी का टेस्ट अलग होता है बट इनके यहाँ का खाना वॉज लाइक यम्मी यम्मी यम्मी. सो मैं आपको यहाँ के रेस्टोरेंट का एड्रेस भी अपडेट करूँगी जब कभी आपको मौका मिले, या खुद आप नासिक के हो और आपने कभी ये विज़िट नहीं किया होगा सो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करना. दिन के टाइम पे भी विज़िट कर सकते, इनफैक्ट दिन के टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज आप सारी चीज़ें, वीडियो, फ़ोटोज़, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हो. इनका नाइट व्यू तो और अच्छा है, लाइटिंग है एंड ऑल सब. मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है. एनीवेज मैं इनका एड्रेस अपडेट करने वाली हूँ. ओके सो मेरे कैप्शंस, डिस्क्रिप्शन सब ज़रूर देखना, वहाँ पे इनका एड्रेस भी रहेगा. ओके सो अब तो हम यहाँ से निकल गए. अब हम कल दूसरा रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस, दूसरा रेस्टोरेंट या ढाबा एक्सपीरियंस करेंगे. आज यहाँ का है सो लेट्स सी. सो आज के लिए हमारा तो यहीं पे होता है. अभी हम यहाँ से निकल गए, यहाँ से कुछ हार्डली 10 मिनट्स में ही हमारा स्टेइंग है. सो अभी हम लोग वहाँ पे निकल गए. सो फाइनली हम हमारे रूम पहुँच चुके हैं. अब हमारा क्या प्लान है, अब हमारा लूडो खेलने का प्लान है. वो तो हमारा फैमिली गेम है. छुट्टी के टाइम पे हम लोग सोने के पहले लूडो खेलते ही हैं. तभी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, नाइट ड्रेस पहन लेंगे, उसके बाद हम लूडो खेलने जाएंगे. फिलहाल तो हम हमारे रूम में एंट्री कर रहे हैं. ये रूम में एंट्री ले लिया है. अब हम लूडो खेलने मम्मी के रूम में जाएंगे तो ड्रेस चेंज करके जाते हैं. देखते हैं लूडो में आज कौन जीतता है. तो हम लोग का फैमिली गेम लूडो स्टार्ट हो चुका है. मेरा एज यूजुअल रेड कलर है, आदि का ब्लू, मम्मी का येलो और जीत का ग्रीन. अब देखते हैं कौन जीतेगा. वैसे भी आदि तो मोस्टली हार ही जाता है. हम तीनों में से कोई जीतेगा. सो देखते हैं कौन जीतने वाला है. रुको मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए. और पता है, अगर आदि हारेगा ना तो बच्चे के जैसा वो नाटक करता है, फिर हम लोग को बोलेगा कि हम लोग चीटिंग करते 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 कि नहीं करते कि नहीं आदि ऐसा. अभी नहीं करते, पहले करता था. अभी नहीं करते नहीं. अच्छा पहले कैसे करता पहले था? मुंह के बन जाता था. चलो मेरा टर्न है. 3. अब देखते हैं कौन जीतेगा, कौन किसको कितना ज़्यादा काटेगा. सो हम सबका एक एक कॉइन अंदर जा चुका है. मैं गोटी बोलूँगी, जो हम लोग बचपन में बोलते थे गोटी. अब ये मेरा टर्न है. मेरे को कब से पुट पुट ही आ रहा है. हाँ हम लोग 1 को पुट बोलते हैं, हम बंगाली लोग. आई डोंट नो बाकी के लोग बोलते कि नहीं, हम तो पुट बोलते. और ये हमारा फैमिली गेम है, फुल इंटरेस्ट के साथ खेलते. झगड़े भी हो जाते लूडो के हार जीत के चक्कर में. चलो अब देखते हैं इसके बाद कौन किसका पहला जाता है और कौन जीतेगा ये गेम. सो मैं गेम जीत चुकी हूँ, मैं विनर हूँ. अब देखते हैं सेकंड विनर कौन बनता है. गेम बहुत सीरियस चल रहा है, सब सीरियस मोड पे आ गए हैं. किसकी गोटियाँ ज़्यादा है, जीत का और येलो का एक है. चलो देखते हैं कौन जीतेगा इन तीनों में से. मैं तो जीत गई ये. सो सेकंड विनर है मम्मी. अब देखते हैं ये गेम आदि और जीत में बहुत सीरियस हो चुका है. ये दोनों लास्ट तक है. आदि का 2 गोटी, जीत का 1 गोटी. देखते हैं कौन जीतेगा. मम्मी आप क्या बोलते हो, कौन जीतेगा? जीत 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 आदि. पता नहीं जो भी जीतेगा हम लोग, हमको क्या, हम तो जीत गए. सो अभी हमारा सोने का टाइम हो चुका है. हम हमारे रूम में आ चुके हैं. सो विल कॉल अ नाइट. टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू गेट अप अर्ली बिकॉज हमें टेम्पल जाना है, पापा के नाम का पूजा करवाना है वहाँ पे. तो हमको वैसे भी जल्दी उठना है. सो आज का गुड नाइट.